इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय छः। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय छः। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। और राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इसराइल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है, कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इसराइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि तक के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूं, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रखा है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इसराइलियों से बांधी थी। तब वह इसराइल की सारी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने पांच हाथ लंबी, पांच हाथ चौड़ी और तीन हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इसराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इसराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वह यह है कि तेरे आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए,
तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इसराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इसराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पापों से फिरे तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इसराइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व झुलस हो व गेरुई व टिड्डिया व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे व कोई विपत्ति व रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी सारी प्रजा इसराइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहे जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराइल का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उनके अनुसार करना, जिसके पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इसराइल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करे कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट करे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, सो यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी और अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर,
अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख।